अभी हम यहाँ पे तीन डॉग को लेके एक्सरे हाउस गए थे, एक साथ में तीन डॉग को एम्बुलेंस में लेके एक्सरे हाउस में गए थे और हमारी एम्बुलेंस वहाँ पे बिगड़ गई। बहुत ही ट्राई किया, उसके बाद में कोई रिक्शा वाला रेडी हुआ ताकि ये जो डॉग्स थे उसको हमें हमें शेल्टर तक पहुँचाना था। उनका एक्सरे तो हो गया था बट अभी एम्बुलेंस हमारी बिगड़ी है तो इसको शेल्टर तक पहुँचाने के लिए रिक्शा वाले ऐसे बोलते हैं हमारी रिक्शा गंदी होगी, तो कोई मिल ही नहीं रहा था। हमने काफ़ी प्रयत्न किया, उसके बाद में एक भाई रेडी हुए और ये सब डॉग को अभी हमने यहाँ पे रिक्शों में शिफ्ट किया है। पिछले कई महीनों से हमारी एम्बुलेंस कंटिन्यूसली ख़राब हो जाती है, हर 2 महीने पे 20,000 30,000 का एक्सपेंस होता है। हम कितने सारे लोग को मिले हैं कि हमें हेल्प चाहिए हमें हेल्प चाहिए, लेकिन अभी कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। हम टाइम पे रेस्क्यू पे जाते नहीं है तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि आप लोग आते नहीं हो, आपको आराम करना है, आपको बस पैसे खाने हैं। हमारे शेल्टर पे भी 200 से ज़्यादा एनिमल्स हैं, उनका टेक केयर करना, उनके पीछे एक्सपेंस करना। हमारा एम्बुलेंस यहाँ पे बिगड़ा है, हर 2 महीने में कुछ ना कुछ मेजर एक्सपेंस आता है। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस जो बोरसद चौकड़ी पे, उनको आप जाके पूछ लो, हर 2 महीने में हमारा 22,000 25,000 जैसा बिल बनता है हर 2 महीने में। उसका एक रीज़न वो है कि हमारी एम्बुलेंस 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। अभी गाँव में जाना, कच्चे रास्ते पे चलना, इतना एम्बुलेंस ने काम किया है कि उसके भी लाइफ स्पान है वो ख़त्म हो गया। हमें एक दूसरी एम्बुलेंस की ज़रूरत है, लेकिन हम किससे मांगे? अभी पैसे है नहीं हमारे पास कि अभी हम बाई कर लें। हम कैसे भी करके चलाते हैं लेकिन फिर भी हमें गालियाँ खानी पड़ती है कि आप काम नहीं करते हो, आपको पैसे खाने हैं। अभी हम कहाँ पे जाएँ, हम किसको बताएं हमारा दर्द, हम किसको बयां करें? कैसे भी करके हमें ये जो तीन डॉग्स थे उसको हमने शेल्टर पे पहुंचाया और अभी एम्बुलेंस चल नहीं रही थी। उसके बाद में मैंने टोइंग व्हीकल को फ़ोन किया और टोइंग व्हीकल आके ये जो एम्बुलेंस है उसको लेके यहाँ पे सर्विस सेंटर है बोरसद चौकड़ी पे, वहाँ पे उसको शिफ्ट कर रहे हैं। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी एम्बुलेंस है उसका अभी लाइफ स्पन ख़त्म हो गया है, हमें दूसरी एम्बुलेंस चाहिए, कृपया मदद करें। अदरवाइज़ ये जो एक काम है, एक सेवा का काम है, वो ख़त्म हो सकता है। हम अभी मजबूर हैं, हम लाचार हैं, आपको विनंती करते हैं कि हमें एम्बुलेंस चाहिए। ये जो एनिमल्स है, अभी कई बार ऐसा होता है कि रिक्शों में लेके जाते हैं, रिक्शों में लेके आते हैं, तो अभी एक इसका टाइम आ गया है, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें नहीं चाहिए, ये बेचुमन जो जीव है उनको आपकी मदद चाहिए। काफ़ी अभी दिन में अभी 20-20 केसेस आते हैं, शेल्टर पे 200 एनिमल्स है, कृपया मदद करें।